सीपीसी चल रहा था और सीपीसी में जो सेक्शन आपका बताया जा रहा था वह 89 था, फिर एक बार उसको दोहरा दिया जाए और तब आपका आगे बढ़ा जाए उसमें। देखिए 89 से आपका एक क्वेश्चन आपका ज़्यादातर प्री में बनता है और कई मॉडल से बनता है, लगभग हर एक मॉडल आपका बताया गया था। फिर एक बार हम उसको दोहरा रहे हैं जो आपका क्वेश्चन बनता है और तब आपका बेयर एक्ट बताया जाए। पहला ये आपको जानना है कि 89 में जो प्रावधान किया गया है वह अल्टरनेटिव प्रोविजन है। अल्टरनेटिव का मतलब ये हुआ कि न्यायालय से बाहर विवाद का निपटारा करना। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायिक निपटारे के अतिरिक्त और कौन कौन से उपाय हैं जिससे कि सिविल विवादों का निपटारा किया जा सकता है, तो उसमें कौन कौन से उपाय हैं। पहला तो ये कोरिलेशन हमने बताया था कि सुलह समझौता का प्रावधान किस किस कानून में, किस किस सेक्शन या चैप्टर में है, वो याद रखना है। इसके साथ जैसे ही आपका 89 पढ़िए कि न्यायालय से बाहर ही विवादों को निपटा लिया जाए, यानी कि अल्टरनेटिव या वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है, तो तुरंत आपका जितने सेक्शन हैं आपका सुलह समझौते वाले जिन जिन कानूनों में, वे सभी सेक्शन याद होने चाहिए। जैसे कि आपका एविडेंस में पूछा जाता है तो आपका बताया गया था 23, इसके बाद आपका सीआरपीसी में 320 याद रखना, एक एक लाइन बताया जा चुका है। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 142 इनहेरेंट पावर, और राज्य यह प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलह समझौते से ही निपटाया जाए, आपका अनुच्छेद 51। इसके बाद आपका यूएनओ चार्टर से भी जे में बनता है क्वेश्चन कि विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा किस अध्याय में है, अध्याय बना है 6 में, और अशांति से निपटारा यानी कि शास्ति से निपटारा सेंसन से, तो एक अध्याय आगे बढ़ना है, अध्याय 7। इसके बाद आपका ये बताया गया था, इसके बाद बताया गया था 89 के बारे में जो कोचन बिहार झारखंड यूपी में बना है उसका मॉडल बताया गया था कि कौन सी धारा प्रतिस्थापित या पुनर्व्याख्यित या पुनर्परिभाषित है। 89 बिहार में सन पूछा गया तो 1999। फिर आपका यूपीएचजेएस में ही केस पूछा गया था तो सेलम एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का केस, और एक क्वेश्चन बना कि कब ये लागू हुई, तो 1 जुलाई 2002। भाई ये सेक्शन कब अप्लाई हुआ, बैठिए हर जगह ना, बैठिए वहीं बैठिए। यानी कि ये धारा कब लागू हुई ये याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन बताया गया था कि कितने प्रकार दिए गए हैं आपका 89 में, जहाँ की न्यायालय से बाहर विवादों को निपटाया जा सकता है, तो वह 4 प्रावधान दिए गए हैं। और इसी के साथ आपका सीपीसी का जो पिछली बार यूपी जे में बना था 2018 में, कि आपका वैकल्पिक माने विवादों का वैकल्पिक निपटारा का प्रावधान आपका आदेश 10 में किया गया है, और 3 नियम याद रखना है, आदेश 10 का नियम 1, आदेश 10 का नियम नहीं 1A, 1B, 1C। भाई फिर हम बता रहे हैं, इसमें से पिछली बार आपका यूपी जे में 89 सेक्शन से न पूछकर आपका पूछा गया था आदेश से, तो भाई उतना याद करना पड़ेगा। अब आइए, जो 4 प्रावधान थे उसी को हम आगे बढ़ा रहे थे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका
चार ऐसे अल्टरनेटिव प्रोविजन 89 में हैं जिनका सहारा लेकर न्यायालय से बाहर विवादों का निपटारा किया जा सकता है, सिविल विवादों का। तो चारों क्रम से याद रखिए। अब वर्तमान समय में जो पूछा जा रहा है वह क्रम भी मिलाने के लिए आ रहा है। तो पहला हमने बताया था आर्बिट्रेशन या मध्यस्थम, दूसरा हमने बताया था काउंसिलेशन यानी कि सुलह, तीसरा हमने लोक अदालत और चौथा मीडिएटर यानी कि मध्यस्थता। तो भाई फिर एक बार याद करिए, ए में क्या है मध्यस्थम, बी में क्या है सुलह, सी में क्या है लोक अदालत और डी में क्या है मध्यस्थता। अब इसी पर आपका चारों डिटेल में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ाना है कि ये चारों होता क्या है और बिहार में इस पर कैसा क्वेश्चन बना है, यानी कि बिहार जे में भी निश्चित तौर पे चारों जो डिटेल में बताया जाएगा उसमें से एक क्वेश्चन आता है। आप कभी भी बिहार जे का वह आता है आर्बिट्रेशन एक्ट से क्वेश्चन आता है। तो आइए देखा जाए, एक एक करके चारों समझिए। आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता से विवादों का निपटारा, हाँ देखिए एक और आपका छूट गया था इसमें, कोरिलेशन। संविदा अधिनियम की धारा 28 यानी कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 28 भी आपको इसी के साथ पढ़ना है, क्योंकि आपका 28 में वर्तमान में तीन अपवाद हैं और जो पहला और दूसरा अपवाद हैं वह आर्बिट्रेशन या मध्यस्थम को लेकर हैं। फिर याद रखिए, पहला और दूसरा अपवाद किसको लेकर हैं, आर्बिट्रेशन या मध्यस्थम। अब मध्यस्थम आप अच्छे से जानिए, पहला जो तरीका आर्बिट्रेशन का है, मध्यस्थम का है, वह आपका मने न्यायालय से बाहर विवाद निपटाए जाते हैं। तो मध्यस्थम कैसे आपका नियुक्त किया जाता है, यह कैसे सुनवाई करता है, कैसे फैसला देता है और इसके फैसले को कहते क्या हैं, जो बिहार का क्वेश्चन है, और इसके निर्णय को कैसे इन्फोर्स या निष्पादित कराया जाता है, इसी में से बिहार एक क्वेश्चन बना देता है। तो अच्छे से इसको देखिए कह करके। मान लीजिए कि ए और बी दो व्यक्ति बना लिया जाए, ए और बी आपका, देखिए अच्छे समझिए, क्वेश्चन कहीं गया नहीं है और आपका कॉन्सेप्ट के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ए और बी, इनमें मान लीजिए कि किसी सिविल मने मैटर को लेकर ए और बी में डिस्प्यूट है यानी कि विवाद है, और आपका ये लोग चाहते हैं कि विवाद का निपटारा या न्यायालय ये देखता है कि इस विवाद का निपटारा न्यायालय से बाहर भी हो सकता है, या ए और बी पहले से एग्रीमेंट किए हैं कि अगर इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो हम मध्यस्थम या आर्बिट्रेशन से इसका निपटारा कराएंगे, या तो करार हो या न्यायालय को लगता है। तो ऐसी दशा में आपका मध्यस्थम की नियुक्ति होगी, तो ए अपनी ओर से एक मध्यस्थम नियुक्त करेगा। तो मान लीजिए ए ने नियुक्त किया सी, तो बी भी अपनी ओर से एक मध्यस्थम नियुक्त करेगा, और बी ने किसको नियुक्त कर दिया, डी को। ए चाहे तो अपनी ओर से दो मध्यस्थम नियुक्त कर सकता है आपका, बी भी चाहे तो कितनी अपनी ओर से कर सकता है, दो, तीन तीन, चार चार, जो भी करें। और ये जो दोनों मिलकर आपका ये एक और मध्यस्थम की नियुक्ति करेंगे जो एम्पायर का काम करेगा, यानी कि जो आपका कहिए निर्णायक मने एम्पायर भी होता है, रेफरी भी कहा जाता है। तो आपका सी हो गया मध्यस्थम और आपका डी हो गया, और इन दोनों द्वारा मिलकर एक आपका और नियुक्त किया गया, कि कौन सा, ई।
तो माध्यस्थम का जो गठन होगा आपका सम संख्या में होगा कि विषम में? तो आपका विषम में, यानी कि या तो एक हो सकता है, या तीन हो सकता है, या पांच हो सकता है, या सात हो सकता है। ये याद रखे पहला क्वेश्चन। अब चूंकि विवाद ए और बी में है तो ये तीन लोग हो गए। अब ए अपना पक्ष रखेगा तीनों के सामने, बी भी अपना पक्ष रखेगा तीनों के सामने। तो ऐसी दशा में न तो सीपीसी अप्लाई होगी और न ही आपका एविडेंस लागू होगा। ये जो प्रक्रियात्मक कानून है ये अप्लाई नहीं करेंगे। तो समस्या ये है कि माध्यस्थम सुनवाई कैसे करेगा? सीपीसी लागू ही नहीं होगी, एविडेंस लागू ही नहीं होगा। तो आपका नेचुरल जस्टिस, याद रखिएगा, माध्यस्थम कैसे सुनवाई करेगा? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए, अर्थात दोनों पक्षकारों को सुनवाई का भरपूर या पूरा मौका दिया जाएगा। यानी कि ए भी अपनी बात यहाँ रखे और कौन रखे? बी। सुनवाई पूरी हो गई तो ये तीनों लोग मिलकर जजमेंट सुनाएंगे, निर्णय सुनाएंगे, और ये जो निर्णय देंगे वही बिहार लगातार पूछा गया है कि माध्यस्थम द्वारा दिए गए निर्णय को कहा क्या जाता है? पंचाट, हिंदी में पंचाट कहा जाता है, या अधिनिर्णय, और इंग्लिश भी वर्जन याद रखना है, एवार्ड। तो एवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? माध्यस्थम द्वारा। फिर बिहार का क्वेश्चन बना है कि एवार्ड या पंचाट को कैसे इन्फोर्स कराया जाता है, कैसे लागू कराया जाता है, यानी कि कैसे इसका प्रवर्तन होगा। तो प्रवर्तन उस प्रकार होगा जैसे सिविल मामलों में डिक्री लागू कराई जाती है। अब आइए, लागू कराना बताया गया है। जिस प्रकार सिविल मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री इन्फोर्स कराई जाती है, उसी प्रक्रिया द्वारा ये पंचाट भी इन्फोर्स कराया जाएगा। तो फिर सीपीसी में बैक हो जाइए, डिक्री का निष्पादन के बारे में सारवान प्रावधान कहाँ से कहाँ तक मैं बता चुका हूँ, 36 से लेकर कहाँ तक, 74, और प्रक्रिया किस आदेश में दी गई है, आर्डर 21। यानी कि जो जो प्रावधान सीपीसी के सेक्शन 36 से लेकर 74 में और आर्डर 21 में दिए गए हैं, उस प्रक्रिया द्वारा ही एवार्ड को इन्फोर्स कराया जाता है। अब अगर माध्यस्थम की नियुक्ति की जाती है, माध्यस्थम फैसला देता है, तो ऐसी दशा में आपका फिर बता दिया जाए एक लाइन और, माध्यस्थम जब मने फैसला देता है और माध्यस्थम द्वारा सुनवाई की जाती है, तो ऐसी दशा में जो कानून अप्लाई होगा वह सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस नहीं होगा। इसके लिए अलग कानून बनाया गया है, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996, यानी कि आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996। तो ये भी जानना है भाई, आपका खंड वाइज भी हम बता रहे हैं, खंड वाइज आपको ये जानना है कि अगर पहले तरीके का प्रयोग किया जा रहा है और न्यायालय से बाहर विवादों का क्या किया जा रहा है, निपटारा, तो कौन सा कानून के तहत उस वह कौन से कानून में उसका प्रोसीजर दिया गया है, यानी कि खंड ए से कानून भी जोड़ना है, कौन सा कानून ऐड करेंगे, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996। अब खंड बी आ जाइए, बी में काउंसिलेशन यानी कि सुलह का प्रावधान किया गया है। सुलह का मतलब क्या हुआ, सुलह होती क्या है? पिछली बार बिहार में पूछा गया था कि
कि सुलहकर्ता द्वारा दिए गए फैसले को क्या कहा जाता है, सुलह को कैसे इन्फोर्स कराया जाता है और सुलह किस कानून से गवर्न होगा, ये आपको सतर्क रहना है। देखिए सुलह क्या होती है, सुलह का मतलब ये होता है कि पहले तो सुलहकर्ता के नियुक्ति कराइए, तो आइए सुलहकर्ता के नियुक्ति करा दिया जाए, यानी कि आपका ए और बी में किसी सिविल वाद को लेकर, क्रिमिनल नहीं, कौन सा वाद, सिविल मैटर को लेकर, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न हुआ हो या अन्यथा। अन्यथा का मतलब ये हुआ कि अगर अपकृत का भी मामला है तो उसका निपटारा माध्यस्थम और सुलहकर्ता इत्यादि के माध्यम से कराया जा सकता है। स्पष्ट आपका जब आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे बिहार के लिए, स्पष्ट ये शब्द लिखा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से विवाद उत्पन्न हुआ हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से या अदरवाइज, यानी कि अन्यथा। ऐसी दशा में आपका, मैं फिर बता दूं, आपका न्यायालय से बाहर विवादों का निपटारा किया जा सकता है और पहला उपाय माध्यस्थम था और दूसरा उपाय हम क्या बता रहे हैं, सुलह। तो सुलह होता क्या है, सुलहकर्ता कैसे कार्यवाही करता है और क्या होता है। अब कम से कम सुलह का कंसेप्ट तो एकदम क्लियर रखिए। ए और बी में किसी संविदा को लेकर डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया, अब ए और बी एक सुलहकर्ता के नियुक्त कर दिए, कौन से, सी। तो सुलहकर्ता की संख्या सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। एक सुलहकर्ता हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो बताइए ए और बी ने किसको सुलहकर्ता नियुक्त किया है, सी को। तो सुलहकर्ता करता क्या है, सुलहकर्ता ए के पास गया, ए की बात सुना, सुलहकर्ता बी के पास गया, बी की बात सुना, फिर आपका एक मॉडल बनाया समझौते का, मैंने एक नमूना बना लिया, नमूना बनाकर एक कॉपी ए को दे दिया और दूसरी कॉपी किसको दे दिया, बी को। और ये सुलहकर्ता हमेशा ये उत्प्रेरित करेगा इन लोगों को कि आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए। तो ए को एक कॉपी समझौते की दे दी गई, एक कॉपी बी को दे दी गई, कहा गया कि दोनों लोग समझौता पढ़ लीजिए, अगर कोई आपत्ति हो तो बताइए और नहीं तो अगर इस इन शर्तों पर आप लोग रजामंद हैं तब भी बताइए। तो अगर उसमें कोई संशोधन करना चाहता है तो संशोधन सुलहकर्ता कर देगा, यानी कि सुलहकर्ता निर्णय नहीं देता, दोनों पक्षकारों को प्रेरित करता है कि आप आपस में समझौता क्या करिए, कर लीजिए। लेकिन समझौते का जो मॉडल होता है वह कौन तैयार करता है, सुलहकर्ता। एक एक मॉडल दे दिया गया, अगर ए और बी उस मॉडल से रजामंद हैं, यानी कि दोनों सहमत हो गए, तो सुलहकर्ता केवल बस ये करता है कि एक समझौता फाइनल तैयार करेगा जिस पर ए का साइन होगा, बी का साइन होगा, ए और बी ही आपस में समझौता किए हैं, लेकिन बस सुलहकर्ता क्या करेगा कि उस समझौते को प्रमाणित कर देगा, सर्टिफाइड करता है, यानी कि अंत में उस समझौते पर अपनी क्या कर देता है, साइन। तो सुलहकर्ता आपका, फिर एक बार याद रखिए, सुलहकर्ता कोई निर्णय अलग से नहीं देता, आपका पक्षकार जिन मुद्दों पर राजी थे बस उनको प्रमाणित कर देता है कि हाँ मैं प्रमाणित करता हूँ कि ए और बी इन मुद्दों पर क्या हो गए हैं, राजी, और इनके बीच समझौता हो गया। तो ऐसी दशा में सुलहकर्ता द्वारा दिए गए फैसले को हम कहेंगे क्या, तो आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट, बिहार पूछा है, समझौता करार। तो फिर एक बार याद रखिए,
मध्यस्थम द्वारा दिए गए निर्णय को क्या नाम दिया गया? पंचाट, सुलहकर्ता द्वारा। तो सुलहकर्ता निर्णय देगा तो समझौता करार, इंग्लिश में सेटलमेंट एग्रीमेंट। भाई रट कर जाइए, बिहार पिछली बार भी पूछा गया था जे में। अगला देखिए, अब देखा जाए अगर सुलह की प्रक्रिया द्वारा विवाद को न्यायालय से बाहर निपटाया जाता है तो अब हाँ देखिए एक लाइन और तब आगे बढ़ा जाए भाई। ये जो समझौता करार दिया गया है सुलहकर्ता द्वारा, इसको कैसे इन्फोर्स कराया जाएगा, कैसे प्रवर्तित कराया जाएगा, कैसे लागू कराया जाएगा? तो सेम नियम याद रखिए, जिस प्रकार सिविल मामलों में डिक्री लागू होती है उसी प्रकार ये समझौता करार भी क्या होगा, लागू। अगला, ये अगर सुलह के माध्यम से न्यायालय से बाहर विवाद का निपटारा किया जा रहा है तो कौन कानून अप्लाई करेगा, किस कानून के तहत सुलह की कार्यवाही संपादित होती है? तो CPC न मार दीजिएगा, CRPC भी नहीं, एविडेंस भी नहीं, तो माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996। तो दूसरा पॉइंट भी, किस कानून से गवर्न होगा, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996। तीसरा तरीका आपका न्यायालय से बाहर विवाद को निपटारे का ये है, न्यायिक निपटारा ही कहते हैं इसे, लोक अदालत। ये इंटरव्यू में भी काफ़ी बन रहा है क्वेश्चन, लोक अदालत का गठन पूछा गया था इंटरव्यू में पिछली बार कि देखिए आपका लोक अदालत के बारे में थोड़ा समझिए हल्का सा। देखिए मान लीजिए कोई विवाद न्यायालय में चल रहा है तो ऐसी दशा में आपका समय समय पर जल्दी से विवाद निपट जाए इसके लिए लोक अदालत बनाई जाती है और लोक अदालत में विवाद को ले जाया जाता है, पक्षकार रजामंद हो जाते हैं और लोक अदालत आपका फैसला सुना देती हैं। एक एक दिन में सैकड़ों फैसले दिए जाते हैं क्योंकि पहले से तैयारी रहती है और बस लोक अदालत बैठी तो तुरंत तुरंत सब फैसला क्या की सुनाई। सुने होंगे कि लोक अदालत ने 100 मुकदमे निपटा दिए एक दिन में, 200 निपटा दिए। तो लोक अदालत भी न्यायालय से बाहर विवादों के निपटारे का एक वैकल्पिक प्रावधान है, अल्टरनेटिव प्रोविजन है। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखिए लोक अदालत में न्यायाधीश ही बैठते हैं मैं बता दूं, लेकिन न्यायिक कार्यवाही से बाहर जाकर आपका बैठते हैं यानी कि जल्दी से जल्दी मामला क्या किया जाए, सुलह समझौते द्वारा निपटा दिया जाए। तो अगर लोक अदालत द्वारा डिस्प्यूट को साल्व किया जा रहा है तो किस कानून के तहत प्रक्रिया दी गई है, न तो CPC अप्लाई होगा, न आर्बिट्रेशन एक्ट अप्लाई होगा, न एविडेंस अप्लाई होगा। इसके लिए भारत की पार्लियामेंट ने एक अलग कानून बना रखा है और वह कानून है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो क्वेश्चन ये बना था कि लोक अदालत, इंटरव्यू में बना था कि लोक अदालत, इंग्लिश में भी लोक अदालत ही कहते हैं, लोक अदालत का गठन किस कानून के तहत होता है, तो उस कानून का नाम याद रखिएगा, कौन सा कानून है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। और उसमें दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए विवाद का निपटारा कहाँ से किया जा सकता है, न्यायालय से बाहर।
चौथा ये उपाय, चौथा मीडिएशन है, यानी कि मध्यस्थता करना। मध्यस्थता को हम कह सकते हैं कि आपका बेगाने की शादी में अब्दुल्ला भाई दीवाने, यानी कि कोई पूछ नहीं रहा है फिर भी चारों तरफ खुद ही घूम घूम कर क्या कर रहा है कि समझौता आप लोग कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। यानी कि किसी के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया, न ही कोई कानून में प्रावधान है, फिर भी मध्यस्थ या मीडिएटर क्या कर रहा है, दौड़ दौड़ के कह रहा है कि आप विवाद में क्या कर लीजिए, समझौता। तो आइए एक दो उदाहरण देखा जाए। अब ये है कि अगर मीडिएटर या जो मध्यस्थ होते हैं, अगर इनके द्वारा विवाद का निपटारा किया जाता है तो ये किस कानून के तहत प्रावधान है? तो आपका जवाब रहेगा, कोई कानून नहीं है, इनके लिए कोई कानून में प्रावधान नहीं है, लेकिन आप निपटारा कर सकते हैं। तो मीडिएटर होता क्या है? तो एक तो विवाह का उदाहरण देखिए और तब आपका दूसरा दो उदाहरण बताया जाए। जैसे कि विवाह में मान लीजिए एक व्यक्ति है, तो विवाह में मीडिएटर का काम किया है। मीडिएटर का मतलब ये हुआ कि लड़के पक्ष के यहाँ भी गया, लड़की पक्ष के यहाँ भी गया और दोनों लोगों को मना रहा है, यानी कि लाली पाप दे रहा है। लाली पाप कैसे दिया जाता है ये देखिए। लड़की वाले के यहाँ गया तो कह रहा है कि भाई लड़की की एज ज़्यादा हो गई है, लड़की में ये दोष है, इससे अच्छा लड़का मिलेगा नहीं, यही मौका है, तुम अपनी लड़की का बेड़ा क्या कर दो पार। और लड़के के यहाँ गया तो ये कहा कि लड़का तैयारी करते करते, अब भाई बुरा ना लगे किसी को। नहीं बुरा लगेगा तो उदाहरण रोक दिया जाएगा भाई। हाँ, बरबीसा बीसा हो गया है, यानी कि दो ही बार बीसा लगाया जाए। बरबीसा बीसा का मतलब एक बार 20, दूसरी बार 20, तो कितना हो गया? 40। यानी कि लड़का 35 से 40 के बीच हो रहा है, आपका तैयारी कर रहा है, बाद में विवाह ही नहीं होगा, यही मौका है, लड़की अति सुंदर है, बीएड और टीटी पास है। अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? यानी कि कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन खुद ही दोनों तरफ जाके और पूरा प्रयास कर रहा है कि विवाह क्या हो जाए, दोनों में संपन्न। तो ये मीडिएटर होता है। मीडिएटर का मतलब फिर एक बार दूसरा उदाहरण देखिए। ए और बी में किसी मुद्दे को लेकर विवाद है, तो सी जाता है ए के पास, भी मान मनौल करता है बी के पास कि आप आपस में आप लोग क्या कर लीजिए, समझौता। न तो ए द्वारा नियुक्त है न बी द्वारा, फिर भी सी जाकर दोनों को मान मनौल करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? मीडिएटर। और आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे कि ये जो मीडिएटर होते हैं ये कभी काल विवाह में दलाली भी खा लेते हैं, यानी कि लड़के भी की ओर से और किसकी ओर से? लड़की। तब तो मीडिएटर आ गया, कोई पूछ नहीं रहा है, खुद ही ये क्या है, रेस है कि चलो। जैसे कि आपका यह अयोध्या विवाद में आपका रविशंकर, रवि रविशंकर नाम है ना? हाँ, तो कोई पूछ नहीं रहा था, खुदे वो सब जगह जाकर क्या करने लगे, मिलने लगे पहले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बनाया, वो अलग बात है, लेकिन पहले से खुद जाकर सभी पार्टियों से मिलने लगे, राय लेने लगे, कहने लगे कि आप लोग इस विवाद का निपटारा क्या करिए शांति से। तो मीडिएटर कहलाएगा भाई, क्या कहलाएंगे आपका? मीडिएटर। तो इस प्रकार आपका लास्ट लाइन ये रही कि चार आपके प्रावधान हैं जो न्यायालय से बाहर विवाद का निपटारा किया जा सकता है। सिविल विवाद का क्रम जरूर याद रखिए। पहला आपका आर्बिट्रेशन, मध्यस्थम, तो कौन सा कानून अप्लाई होगा?
माधस्तम एवं सुलह नियम 1996, दूसरा सुलह तब भी यही कानून, तीसरा लोक अदालत तब प्रक्रिया किस कानून के तहत चलेगी, विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1987 और चौथा मीडिएटर, इसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं। ये खुद ही क्या करेंगे, जा जाकर आपका मान मनौल करेंगे। तो अब 89 पर आपका केस आ जाया जाए, एक ही केस है, वह केस थोड़ा देख लिया जाए। सेलम एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यही बार बार केस पूछा भी जा रहा है। इस केस में आपका 89 को चैलेंज किया गया और न्यायालय ने 89 को वैध माना, संशोधनों को वैध माना और कुछ बातें बताई, वही बातें आपको देखनी है। बातें ये बताई कि भाई सिविल मामलों में जो ये न्यायालय से बाहर विवादों का निपटारा का प्रावधान किया गया है, यह अति उत्तम है, इससे संविधान का वायलेशन नहीं होता। न्यायालयों पर वैसे भी बोझ है, न्यायालयों में तमाम मुकदमे पेंडिंग हैं, फैसला जल्दी नहीं हो रहा है, अतः ये अति आवश्यक है भारत में कि ज़्यादा विवाद न्यायालय से कहाँ निपटा लिया जाए बाहर। तो भाई आपका जो वाक्य सेलम एडवोकेट में बताया गया, वो भी वाक्य आपका क्या कर दिया, दो लाइन बता दिया गया। तो आइए अब 89 के बाद आपका अगला देखिए भाई। 89 के बाद जो आपका सेक्शन माने आपका पढ़ना है 90, न्यायालय की राय के लिए मामलों का कथन करने की शक्ति। आपका कह सकते हैं कि इसमें जो आपका धारा 90 कम पूछा जाता है, यानी कि कभी पूछा नहीं जाता, आपका कह सकते हैं कि सेक्शन 90। लेकिन आपका एक क्वेश्चन आपका बनता है, वह ये बनता है, देखिए न्यायालय की राय मंगवा दिया जाए भाई, आपका न्यायालय की अगर दो पक्षकार हैं, ध्यान से अब देखिए उदाहरण में भाई, ए और बी, और ए और बी ये चाहते हैं कि ये इस मामले को हम लोग कोर्ट में न घसीटें और इस मामले में सिविल न्यायालय से एडवाइजरी मांग लें, ओपिनियन मांग लें। तो ए और बी सिविल न्यायालय से ओपिनियन मांग सकते हैं कि हजूर ये हम लोगों के बीच विवाद हैं, आप अपनी राय दे दीजिए। तो आप तुरंत आपका पढ़ाया भी गया है सुप्रीम कोर्ट में कि राष्ट्रपति ओपिनियन या सलाह मांगता है, और भारत का राष्ट्रपति किससे सलाह मांगता है, सुप्रीम कोर्ट से। और आर्टिकल भी दिमाग में बैठाए रहिएगा 143 यानी कि 143, कि आप राय दे दीजिए किस मुद्दे में क्या होना चाहिए। तो उसी प्रकार सिविल मामलों में ये प्रावधान है कि ए बी मुकदमाबाजी से बचना चाहते हैं कि आगे लंबा मुकदमा न खींचे, तो करार करके और न्यायालय से ओपिनियन मांग सकते हैं। तो आपका ए और बी न्यायालय से राय मांगते हैं, न्यायालय राय देगा और राय देते समय डिक्री पारित करेगा, यानी कि केवल राय नहीं, राय क्या, राय मांगी गई है तो क्या पारित करेगा, डिक्री। अब यहाँ जो एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जिस मुद्दे पर न्यायालय से राय या ओपिनियन की डिमांड की गई पक्षकारों द्वारा, न्यायालय ने डिमांड पूरी की और उस पर डिक्री प्रदान की, तो क्या ऐसी दशा में इस डिक्री की अपील हो सकेगी कि नहीं, अपील नहीं होगी। यही पॉइंट एक लाइन जानना है, न्यायालय से राय आप मांगे, न्यायालय ने क्या पारित की उस मामले में, डिक्री, तो क्या उस डिक्री की अपील हो सकेगी कि नहीं, नहीं हो सकेगी। और इसके लिए आपका जो आर्डर काम करेगा, आर्डर भी बेयर एक्ट पर लिख लीजिए 36,
आर्डर 36 में प्रावधान किया गया है, पूरा ना पड़ेगा 36। इसमें 36 में आपका देखिए, आपका ये 36 का नियम 6, आदेश 36 का नियम 6 बस लिख लीजिए, वहीं एक पॉइंट आपको देखना है। आर्डर 36 का रूल मैं बता रहा हूँ 6, यानी कि अगर राय मांगी गई है और न्यायालय ने डिक्री पारित की है तो क्या उस डिक्री की अब अपील होगी कि नहीं? नहीं होगी। जब 96 हम पढ़ाएंगे तो उसको कोरिलेट करेंगे और आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, बताया जाएगा। आइए आपका 90 के बाद आ जाइए, 90 छोड़ सकते हैं, बस एक लाइन याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं। 91 और 92 से एक क्वेश्चन आपका प्री में बनता है, फिर याद रखिए, यानी कि सेक्शन 91 से भी क्वेश्चन बनता है, 92 से भी बनता है, आपका झारखंड भी क्वेश्चन बना चुका है, अभी बिहार जे भी क्वेश्चन बनाया था, और अन्य जगहों पर सेक्शन भी मिलाने के लिए आते हैं। तो आइए आपका 91 देखा जाए और यहाँ कोरिलेशन भी करना है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप बेयर एक्ट पर भी कुछ लिखते रहिए, चाहे पेन से या पेंसिल से, कोरिलेशन अगर बेयर एक्ट पर लिखते हैं तो उसका फायदा ये मिलता है कि जब आप भविष्य में पढ़ेंगे बेयर एक्ट जेक के परीक्षा के समय, तो आपको स्मृति ताज़ा हो जाएगी, मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी कि ये सेक्शन बेयर एक्ट पर हमने लिखा है और इसमें सर ने ये बताया था, अपने आप स्मृति ताज़ा हो जाती है पढ़ते समय, लेकिन लिखा रहेगा तब, अब नहीं लिखा रहेगा तो भूल भी सकते हैं। तो 91 देखिए, आपका 91 में लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य, अब देखिए इसको आपका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक न्यूसेंस को लेकर, लोक न्यूसेंस को लेकर, हिंदी में कहा जाता है लोक उपताप को लेकर, या लोक अपदूषण को लेकर, लोक प्रदूषण को लेकर मुकदमा करने के बारे में विशेष प्रावधान सेक्शन 91 में किया गया है, या ऐसे कार्य जिससे लोक पर प्रभाव पड़ता हो, आम जनता पर पड़ता हो, पब्लिक पर पड़ता हो, तो ऐसी दशा में पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पब्लिक न्यूसेंस के बारे में मुकदमा कौन कर सकता है, जो बिहार और झारखंड क्वेश्चन बना रहे हैं, तो या तो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, या दो से अधिक व्यक्ति किसकी लीव या इजाज़त लेकर न्यायालय। अब यहाँ जो आपका झारखंड और बिहार में टेक्निकल बातें फंसा दिया कि जो दो या दो से अधिक व्यक्ति न्यायालय में गए हैं उनको विशेष क्षति होनी चाहिए, विशेष क्षति की आवश्यकता नहीं है, तो विशेष क्षति होना आवश्यक नहीं, हम बताएंगे इसको। अब इसका कोरिलेशन थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा इसलिए है कि आपका, अब देखिए पहले भाई बेयर एक्ट में दम नहीं है ज़्यादा, वो तो लास्ट में हम बताएंगे 91 एक एक शब्दों को आपका क्या है क्या नहीं, प्राइवेट न्यूसेंस भी इसी में आएगा, वो अलग बात है, आपका 91 के खंड 2 में। लेकिन अब देखिए कहाँ कहाँ कोरिलेट करना पड़ेगा आपका, एक तो अनुच्छेद 21 पहले संविधान से कोरिलेट किया जाए, उसके बाद 32 करिएगा, इसके बाद आपका 226 यानी कि संविधान में 3 अनुच्छेद, अभी हम पब्लिक न्यूसेंस बताएंगे, संविधान में आप 3 अनुच्छेद पढ़ेंगे, इसके बाद सीआरपीसी आ जाइए, सीआरपीसी में सेक्शन 133, 144,
144 ए ये सीआरपीसी में कम से कम कितनी धाराएं आपको पढ़ना पड़ेगा पब्लिक न्यूसेंस के लिए, आपका तीन सेक्शन और शाम वाले बैच में तो अभी एक कल ही बताया गया ये सब, तो तीन सेक्शन। फिर आपका पुलिस एक्ट में चले जाइए, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 भी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि 34, यानी कि पुलिस एक्ट 1861 का सेक्शन 34 पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 34 पढ़ना पड़ेगा। अब आगे देखिए, आईपीसी में 268 से लेकर 291 तक पढ़ना है, आईपीसी में भी पढ़ना पड़ेगा पब्लिक न्यूसेंस। आपका 268 से लेकर 291 यानी कि 268 से लेकर 291, और इसी को आपका टाट में भी पढ़ना पड़ता है कि अपकृत में आपका क्षतिपूर्ति या डैमेजेज वसूल सकते हैं, मुआवजा वसूल सकते हैं आपका माने न्यूसेंस के लिए, तो सामान्यतः किस न्यूसेंस के लिए मुआवजा वसूलेंगे? प्राइवेट। अब लोक न्यूसेंस के लिए कब वसूलेंगे बताया जाएगा, उसमें भी प्रावधान है। यानी कि सबसे पहले आप, हाँ, अब इनके लिए मुकदमा सिविल सूट दायर किया जाएगा तो कौन दायर करेगा, ये बातें सीपीसी के किस सेक्शन में बताई जाएंगी? 91। अब आइए इसी के साथ आपका आईपीसी की एक धारा और पढ़िएगा, 12, जो पब्लिक को परिभाषित करती है, यानी कि लोक को परिभाषित करती है। भाई हर एक धारा को एक एक दो दो लाइन बताना है, ये नहीं कि और एक क्वेश्चन कहीं गया नहीं है इससे, निश्चित तौर पे आपको एक या दो क्वेश्चन भाई कोरिलेट से मिलेगा। अच्छे से इसको देखिए, सबसे पहले आपका पब्लिक शब्द देखा जाए, पब्लिक शब्द को आईपीसी की धारा 12 में डिफाइन किया गया है। पब्लिक यानी कि जनता का कोई वर्ग या जनता का कोई समूह, यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ आम जनता, आम जनता को ही पब्लिक कहा जाता है। अब न्यूसेंस का मतलब क्या हुआ, तो न्यूसेंस की परिभाषा, उपताप की परिभाषा आपका सीपीसी में न देकर आईपीसी में दी गई है, और आईपीसी के सेक्शन 268 में। तो अगर कोई पूछे कि लोक न्यूसेंस कहाँ परिभाषित है, तो आईपीसी के किस सेक्शन में परिभाषित है? 268। अब लोक न्यूसेंस समझ लीजिए, क्योंकि इसी के लिए सब तामझाम होगा। लोक न्यूसेंस का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसा एक्ट या ओमिशन कर रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य या लोप कर रहा है जिससे कि लोक को, लोक मतलब आम जनता को, आम जनता यानी कि पब्लिक को क्या हो रहा है, असुविधा हो रही है, क्षोभ हो रहा है, कष्ट हो रहा है, आपका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, संपत्ति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है इत्यादि। यानी कि कुल मिलाकर जब किसी व्यक्ति के एक्ट या ओमिशन से क्या हो रहा है, भाई लिस्ट बनाइए, या तो व्यक्तियों के शरीर पर या स्वास्थ्य पर या संपत्ति पर या क्षेम पर, कुशलता पर या सुविधा असुविधा में बदल जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पब्लिक न्यूसेंस। और ये अपराध हैं लोक उपताप, ये अपराध हैं, और आईपीसी में कहाँ से कहाँ तक हैं? 268 से लेकर कहाँ तक? 291। तो अब भाई देखिए, जब तक कि लोक न्यूसेंस न समझ में आए तब तक कह सकते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ा जा सकता, न समझ में आया हो पब्लिक न्यूसेंस तो फिर एक बार बताया जाए। उदाहरण हम बताएंगे तीन चार, जैसे कि इस समय विवाद आपका लाउडस्पीकर पर चल रहा है कि चाहे कोई भी धार्मिक संस्थान हो,
लाउडस्पीकर की आवाज इतना ही कम रखी जाए कि आम जनता को उससे दिक्कत न हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो। यूपी में ये आदेश आ चुका है कि आप वॉल्यूम को कम रखिए ताकि परिसर से बाहर आवाज न जाए। अब इसी को पब्लिक न्यूसेंस पर जोड़िए कि अगर आपका आवाज कह सकते हैं कि तेज आवाज में अगर डीजे बजाया जा रहा है या परिसर से बाहर आप लाउडस्पीकर बजा रहे हैं, रेडियो बजा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, जिससे कि आपके आसपास वाले भी प्रभावित हो रहे हैं, तो इस एक आदमी नहीं बल्कि आम आदमी, भाई एक आदमी होगा तो प्राइवेट न्यूसेंस और लोग प्रभावित होगा तो लोक न्यूसेंस, प्राइवेट हम नहीं बता रहे हैं, तो ये लोक न्यूसेंस होगा। ऐसी दशा में क्या क्या उपाय हैं, यानी कि लोक न्यूसेंस के बारे में क्या क्या रेमेडी हैं? तो पहला, ये अपराध हैं और ऐसा व्यक्ति आईपीसी में दंडित हो सकता है। तो अब डिटेल में तो हम नहीं बता सकते सेक्शन, बहुत घंटों चल जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में याद रखिए कहाँ से कहाँ तक हैं, 268 से लेकर कहाँ तक, 291। अब आइए पुलिस एक्ट की धारा 34, पुलिस अधिनियम 1861 की सेक्शन 34 में 8 ऐसे लोक न्यूसेंस के कितने प्रकार बताए गए हैं, 8 तो याद करके जाइए यूपी के लिए, कितने प्रकार हैं, 8, जहां की अगर कोई व्यक्ति इन 8 कार्यों में से कोई एक या एक से अधिक कार्य करता है तो पुलिस को ये शक्ति प्राप्त है कि पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है और ऐसा व्यक्ति सजा का हकदार होगा। एपीओ के लिए सजा भी याद रखना है, 8 दिन तक का कारावास, यानी कि 8 दिन तक का कारावास या 50 रुपया जुर्माना, रट कर जाइए कितना कारावास, 8 डेज और जुर्माना 50। अब आइए ये हो गया, यानी कि पुलिस अधिनियम में भी लोक न्यूसेंस के बारे में कौन सी धारा पढ़नी है, 34। अब आइए संविधान देखा जाए। अगर पब्लिक न्यूसेंस ऐसा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर या पर्यावरण पर आपका प्रभाव विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट आपका दूषित हो रहा है, तो ऐसी दशा में आप अनुच्छेद 21 पहले कवर करिए, स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है, और इसी में इनरी ध्वनि प्रदूषण का मामला भी आएगा। इनरी ध्वनि प्रदूषण का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बहुत तेज डीजे और आपका लाउडस्पीकर बजाया जाता था इसको थोड़ा सीमित किया और कहा कि आप प्रदू माने डीजे के नाम पर, शादी के नाम पर आप लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार कैसा अधिकार है, फंडामेंटल। तो सरकार को कहा गया कि आप नियम बना लीजिए। यही समस्या है कि भिन्न भिन्न सरकारों ने भिन्न भिन्न नियम बना रखा है। मैं बता दूं तो जैसे महाराष्ट्र में विवाद उत्पन्न हुआ तो महाराष्ट्र सरकार ने मांग किया केंद्र सरकार से कि आप पूरे देश के लिए क्यों नहीं एक कानून बना देते, इस मामले में लाउडस्पीकर के मामले में, ध्वनि के मामले में, तो राज्यों पर छोड़ दिए हैं और राज्य अपने मन से अलग अलग क्या बनाते हैं नियम। अब यह है कि भाई उत्तर प्रदेश में ये है कि अगर डीजे बजाना है, बारात में बजाना है, तो आप एक तो वॉल्यूम थोड़ा क्या रखिए, कम रखिए, और दूसरा आपका रात 10 बजे तक ही डीजे बजा सकते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद लोग सोने चले जाएंगे तो आप डीजे बजा पाएंगे कि नहीं। तो जैसे ही बाजा वाला देखते होंगे, जैसे ही 10 डीजे वाला बजता है, डीजे वाला बेचैन हो जाता है कि हजूर हम जाएंगे जाएंगे, क्योंकि कितना बज गया,
दस, 12 नहीं, अभी चेहरे पर 12 नहीं बजा, कितना बजा? 10 बजा। तो क्यों ये? क्योंकि आपका अगर पुलिस आ गई तो डीजे भी उठा ले जाएगी और उसको भी, जितने का मैंने आपका भाड़ा नहीं लिया रहेगा उतना पुलिस वाले क्या करेंगे रात भर बैठा के वसूल लेके। तो इसीलिए यूपी में जो नियम है आपका और नियम है, आगे बढ़ा जाए। क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण एक फंडामेंटल राइट है, अतः ऐसी दशा में अगर लोक न्यूसेंस होता है व्यापक पैमाने पर, तो आप उच्चतम न्यायालय में PIL दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट में लोक हितवाद या PIL दायर कर सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। तो किस अनुच्छेद की मांग करेंगे? 21 के तहत, कि स्वच्छ पर्यावरण हमारा मूल अधिकार है और इस कार्य से इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डिस्टर्ब। तो आप कहाँ जा सकते हैं ऐसे मामलों में? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद में समाहित है? 21 में। अब आइए CRPC देखा जाए। अगर पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है तो उस न्यूसेंस को रोक दिया जाए, उसको समाप्त किया जाए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को ये शक्ति दी गई है। अगर पब्लिक न्यूसेंस का सामान्य मामला है तो Section 133 कंडीशनल आर्डर जारी होगा, सशर्त आदेश। अगर अर्जेंट मामला है तो 144 में आदेश जारी होता है, और अगर हथियार सहित जुलूस निकालने का मामला है, हथियार सहित व्यायाम या ड्रिल करने का मामला है, आयुध या हथियार सहित ट्रेनिंग या प्रशिक्षण का मामला है, और इससे आम जनता को असुविधा खेद होता है, तो ये भी रोका जा सकता है, ये भी पब्लिक न्यूसेंस है। और कौन सी धारा के तहत? 144A। फिर क्रम बनाइए। लोक न्यूसेंस के सामान्य मामले किस धारा के तहत? 133। अर्जेंट मामलों में 144। और हथियार सहित व्यायाम या प्रशिक्षण या जुलूस निकालने पर रोका जा सकता है किस सेक्शन के तहत? यानी कि CRPC में लोक न्यूसेंस का दमन कर दिया जाता है, और दमन करने के लिए कितनी धाराएं बची हैं, बनी हैं 3। अब आइए आपका टाट देखना है भाई, टाट के बाद CPC शुरू किया जाए, उसी में एक दो पॉइंट बताना है। अब देखिए, लोक न्यूसेंस आपका अपराध है, जबकि प्राइवेट न्यूसेंस अपराध नहीं है बल्कि टाट है, अपकृत्य है। तो अगर किसी कार्य से एक या दो लोग ही 3 लोग प्रभावित होते हैं, तो उस न्यूसेंस को प्राइवेट न्यूसेंस, और पब्लिक या आम जनता प्रभावित होती है तो उस न्यूसेंस को क्या कहेंगे? पब्लिक। एक एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि आपका रूम है दूसरे रूम से सटा हुआ है, और रात में लगे आप दीवार पीटने 2 बजे, और दूसरे रूम वाले की नींद हराम कर दिए, तो क्या पूरा मोहल्ला जग गया, पूरे मोहल्ला को जगा दिए कि बगल वाले रूम वाले को? तो ये प्राइवेट न्यूसेंस होगा कि लोग, और वहीं जाकर मोहल्ले में पूरा थाली और ताली बजाने लगे, और जाकर कह रहे हैं कि पकौड़ा लीजिए 2 बजे रात में, यानी कि मोदी जी का पकौड़ा लीजिए, ये मोदी पकौड़ा है, ये मोदी टिकिया है, मोदी चाय है। तो तमाम लोग भाई विरोध किए, फिर भी आ गए मोदी, वो अलग बात है, उसमें हमें नहीं जाना है। तो जाकर पूरा आप लाउडस्पीकर लगा के 2 बजे रात में चिल्लाइए मोहल्ला में, तो किसको कौन प्रभावित हो रहा है? एक आदमी की, आम जनता। तो ये कौन सा न्यूसेंस होगा? तो ये जो जन चिल्ला रहे हैं मोहल्ले में जाकर, ये अपराध है। और जो बगल वाला आपसे डिस्टर्ब हो गया, ये अपराध नहीं है। ये क्या है? न्यूसेंस तो है लेकिन लोक नहीं, क्या है? प्राइवेट। तो प्राइवेट न्यूसेंस के लिए प्रावधान किया गया है
और उसके लिए आप अपकृत में क्या वसूल सकते हैं? मुआवजा। अब आइए सीपीसी की धारा 91 देखा जाए। 91 में जो मुकदमा दायर किया जाता है वह किसके लिए किया जाएगा? पहला नियम आपका लोक न्यूसेंस के लिए कि प्राइवेट न्यूसेंस के लिए भी प्रावधान है कि दोनों के लिए प्रावधान है? तो दोनों मारिएगा। प्राइवेट न्यूसेंस पर रोक नहीं लगाई गई है। खंड दो ये बताता है कि इस धारा की कोई बात प्राइवेट न्यूसेंस पर के मामले में विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी। तो आइए सेक्शन देखिए भाई आपका 91। अब निकालिए बैरक। देखिए पहला खंड लोक न्यूसेंस। अब ये ना पूछिएगा लोक न्यूसेंस क्या है, पब्लिक न्यूसेंस बताया गया पूरा, या अन्य ऐसे दोषपूर्ण कार्य की दशा में जिससे लोक पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ना संभाव्य है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पब्लिक न्यूसेंस का मामला है या किसी व्यक्ति ने ऐसा एक्ट किया है कि भले वह पब्लिक न्यूसेंस न हो लेकिन आम जनता पर उसका क्या पड़ रहा है, इफेक्ट, या आम जनता पर प्रभाव पड़ने की क्या है संभावना, तो ऐसी दशा में आगे बढ़ा जाए प्रभाव पड़ना माने संभव है घोषणा और व्यादेश के लिए या ऐसे अन्य अनुतोष के लिए जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हो, यानी कि किसके किसके लिए वाद लाया जा सकता है, तो घोषणा के लिए, फिर आपका माने डिक्लेरेशन के लिए, फिर व्यादेश या इंजेक्शन के लिए, और फिर आपका कह सकते हैं कि अन्य अनुतोष अदर रिलीफ। अब इसको बताना पड़ेगा डिटेल में भाई, क्योंकि घोषणा को भी आपका एसआरए में कवर करना पड़ेगा, व्यादेश कम मांगेंगे ये सीपीसी और एसआरए दोनों, और अन्य अनुतोष को टाट में जाना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा समय लग जाएगा। तो क्लास भाई अगला भी संविधान चलाना है तो क्लास रोका जा रहा है 15 मिनट का ब्रेक। कल भाई देखिए शनिवार को टीपीए चलेगा ताकि दो चैप्टर बचा है वो भी जल्दी समाप्त हो। कल आपका मॉर्गेज पढ़ाया जाएगा, यानी कि कल जो टीपीए